वेलकम बैक टू पर्ले 11th. तो यहाँ पे हमने अपना स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. आज की क्लास में हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा. आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपकी KTG थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. वैन डर वाल इक्वेशन हमें देखनी है. तो मेजर पोर्शन अगर मैं बात करूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो यहाँ से पूछे जाता है. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको KTG थ्योरी से भी देखने को मिलेंगे. और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो वैसे ही हम NCERT का बैक सॉल्यूशन भी देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर का भी देख लेंगे. ठीक है, तो पार्ट 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का. काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मेक श्योर आप इसे शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर रहे हैं वीडियो को और कमेंट कर रहे हैं. अगर आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. फिर से बता देती हूँ आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन हम समझेंगे. ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा जाता है. एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है इफ्यूजन का, मतलब हम यहाँ पे समझने वाले हैं. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करेंगे, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे. इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. इसके बाद रियल गैस इक्वेशन, जिसे हम वैन डर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं, किस तरीके से वो डिराइव करी गई थी, कौन कौन सी करेक्शन टर्म्स थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना आपका फर्स्ट टॉपिक से आज की क्लास का, जिसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अब आपका डिफ्यूजन होता क्या है एक बार उसको समझेंगे, और इफ्यूजन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हमें समझनी है. तो देखो, डिफ्यूजन आपने बहुत ज़्यादा आपने घरों में भी एक्सपेरिमेंटली मतलब आपने चीज़ों को देखा होगा. डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई गैसियस पार्टिकल्स किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन के टवर्ड्स जाना चाहती है. हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन उन गैसेस पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंसेंस स्टिक, जो आपकी अगरबत्ती है, जब आप इस अगरबत्ती को जलाते हैं, तो यहाँ पे अगरबत्ती के जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, जो खुशबू वाले पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है. और इसी अगरबत्ती को अगर आप रूम में रख देते हैं, तो इस रूम में सारी जगह अगर आप देखते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू हो जाती है ना. वो क्यों होता है, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है. आपने इंसेंस स्टिक्स चलाई, जलाने से उसका जो गैसेस पार्टिकल्स है अगरबत्ती के, जो पार्टिकल्स हैं वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, फिर वो हर एक कोने में जा रहे हैं जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो डिफ्यूजन आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की टूवर्ड्स मूवमेंट होता है आपके गैसेस पार्टिकल्स का. फॉर एग्जाम्पल, एक और समझ लेते हैं. अगर आपका ये आपका एक चैम्बर है, इसको मैंने यहाँ पे छोटा सा मैंने गेट लगाया हुआ है, और इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड करा हुआ है. यहाँ पे ऑक्सीजन गैसेस भर दी और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर दी. अब जैसे ही आपने ये गेट खोला, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रश करेगा इस साइड पे और नाइट्रोजन रश करेगा इस साइड पे, अनटिल अनलेस दोनों बैलेंस ना हो जाए. ठीक है, तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक आपका ये रशिंग होगी, मिक्सिंग ऑफ गैसेस इसे हम बोलते हैं. तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अर्लियर ज़्यादा थी और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन इधर गया. यहाँ पे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं था, तो नाइट्रोजन इधर आया. तो ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. अब बात करते हैं इफ्यूजन की. तो इफ्यूजन में भी आपको इसी तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है, बट द डिफरेंस इज इफ्यूजन एक छोटे से पॉइंट होल के थ्रू होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपनी कार का या व्हील का टायर देखा होगा, है ना, वहाँ पे जब पंचर हो जाता है, तो जो आपके यहाँ पे एयर भरी होती है और यहाँ पे अगर पंचर हो गया, तो ये गैसेस पार्टिकल्स इस होल के थ्रू जो निकल रहे हैं, जब एक पॉइंट होल के थ्रू चीज़ें निकल रही होती है, जब गैसेस पार्टिकल्स पॉइंट होल के थ्रू निकलते हैं, तो उसे इफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं. डिफ्यूजन में आपका लार्ज गैप होता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होती है. इफ्यूजन में एक पॉइंट होल के थ्रू चीज़ें निकल रही होती है. ठीक है, तो ये आपकी डिफ्यूजन और इफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस होता है. क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पे हमें देखना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कि किस स्पीड से डिफ्यूजन हो रहा है किसी गैस का. यहाँ पे गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे Cl2 गैस है. हाइड्रोजन और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे यहीं पे ज़्यादा है, और दोनों को उस साइड रश करना है क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा या फिर Cl2 का ज़्यादा होगा. मतलब यहाँ से वहाँ पे जाने में
स्पीड किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन जल्दी पहुंच जाएगा या फिर Cl2 जल्दी पहुंच जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करी थी ग्राम्स लॉ ने, ठीक है, ग्राम्स लॉ ने रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया था। इन्होंने पहले ये बोला था जो पार्टिकल हैवी है, जो हैवी मास का पार्टिकल है उसकी स्पीड कम होगी और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो हैवी मास अगर होगा, मास अगर ज्यादा होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। अगर मास ज्यादा होगा पार्टिकल का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं जो हैवी होता है, जो अगर आप ऐसे ही देख लो कोई भी चीज है, एक हैवी बॉल है और एक स्मॉल छोटी सी बॉल है, ठीक है, एक आपकी जैसे अगर हम बात करें एक बॉल हैवी है, ठीक है, गोल्फ बॉल ले लेते हैं और दूसरी आपकी छोटी सी आपकी टेनिस बॉल ले लेते हैं और उसको इधर डालना है, डाउन द ग्रेविटी नहीं लगा रहे हम, ग्रेविटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैवी बॉल है, गोल्फ बॉल, और ये आपकी छोटी सी टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल जल्दी जाएगी, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो स्पीड है, जिसका मास कम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और रेट जो डिफ्यूजन का है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, ये आपको याद रखना है। ऑल्सो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं विच इज डर्टी पीएम, ठीक है, डर्टी पीएम करके आप याद कर सकते हो। यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी, आइडियल गैसेस के लिए फॉर्मूला लगता है, तो डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दिस गैस। हमें भी पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर आप नॉर्मल डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लेके चलते हो। तो अगर एक आइडियल गैस है तो डर्टी पीएम आइडियल ये इक्वेशन फॉलो करता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम ये भी बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस, रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, इसमें डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रखा है या फिर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो, बट आपको याद रखना है इट इज रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी या फिर रूट ऑफ मास आप बोल सकते हो, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, जब आप दो गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको अप्लाई करना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, क्लियर हुआ, चले आगे। अब अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हैं और उनके रेशो आपको निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, रेशो और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस, तो किस तरीके से करते हैं, हम जानते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर 1/ रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी या साइन हटाते हो तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही फॉर सेकेंड गैस अगर हम मान के चले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द सेकेंड गैस, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो R2 विल बी इक्वल टू K बाय रूट ऑफ डेंसिटी 2, है ना। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो R1 बाय R2 का रेशियो क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू K अपॉन रूट ऑफ D1, ठीक है, और R2 को क्या लिखोगे, K अपॉन रूट ऑफ D2 विच विल गो इन टू द न्यूमरेटर, K से K कट जाएगा। तो रेट 1 बाय रेट 2 किस तरीके से बोल सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ देयर इंडिविजुअल डेंसिटीज, ठीक है। इसको आप मास भी लिख सकते हो क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आपका रेट कंपेयर करने का फॉर्मूला है, ये आपका रेट को कंपेयर करने का फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, रेट की रेशियो अगर आपको निकालनी है, ठीक है, दो डिफरेंट गैसेस के बीच में, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल और द पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो रेट इसके इक्वल भी आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर ये आपकी एक ट्यूब है, है ना, और यहाँ से आप एक गैसियस पार्टिकल भेज रहे हैं, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितने टाइम में ट्रैवल करा, वो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको दे सकता है। या फिर आप इसको बोल सकते हो दिस विल बी डिस्टेंस D1, ठीक है, इस केस में ये D जो है आप डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1, ये आपका हो सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो रेट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम
आपका कितना गैसेस पार्टिकल का डिफ्यूजन में वॉल्यूम निकला है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो आप इसे वी वन बाय टी वन भी बोल सकते हो, या फिर आप रेट को ये भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड, उस पर्टिकुलर गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो ये तीनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये तो पक्का से याद रखना ही रखना है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. तो ये आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम एनसीईआरटी को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे. क्लियर हो गया, चलें आगे. सो ये आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था. एक क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, और वो बोल रहा है कि टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द सिलेंडर. एक सिलेंडर आपने लिया, और इस सिलेंडर में अगर हम बात करें तो दो गैसेस भर के, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. अब जैसे ही आपने ये कैप खोला तो ये गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे. ये गैसेस क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे. कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ ऑक्सीजन गैसेस के पार्टिकल्स होंगे. तो आपसे पूछ रहा है किसका रेट ज़्यादा होगा, विच विल डिफ्यूज या फिर इफ्यूज आप बोल सकते हो. ठीक है, अगर ये इफ्यूज भी करेगा तो सेम फॉर्मूला आपका यूज होता है. कौन जल्दी से निकलने की कोशिश करेगा, तो हम जानते हैं रेट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मास. अगर मास ज्यादा है तो रेट कम होने वाला है. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम्स पर मोल होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है, तो 2 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा मोलर मास. और ऑक्सीजन की बात करें तो दिस विल बी 32 ग्राम्स पर मोल. तो हल्का कौन है, हाइड्रोजन है. हल्का कौन है, हाइड्रोजन है. तो जल्दी कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन इफ्यूजेज आउट और डिफ्यूजेज आउट फर्स्ट. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे होते हैं. आप प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे लेके चलते हैं, और जो मास हम यहाँ पे पुट करते हैं, वो मास केजी में होना चाहिए. जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी मास केजी में पुट करना है. आपको किस में पुट करना है, केजी में आपको ये मास पुट करना है. ठीक है, जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. फिलहाल के लिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं. क्लियर हुआ, चलें आगे. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे करना है दैट इज सेकेंड लॉ, सॉरी डाल्टन्स लॉ ऑफ योर पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ योर पार्शियल प्रेशर. ठीक है, अभी पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली ये आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए होता है. क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस. जब आपके एक कंटेनर के अंदर मोर दैन वन गैसेस हो, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तब हम कंसेप्ट कौन से लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट लगाएंगे, और वहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेंगे. सो मेक श्योर यहाँ पे आप एक कंटेनर ले रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, आप कितनी भी नंबर ऑफ गैसेस ले सकते हैं, बट इस कंटेनर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो गैसेस होने चाहिए दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस. दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप ले सकते हो एक गैस ए ले लेते हैं जिसका नाम है हीलियम. ठीक है, एक गैस बी ले लेते हैं जिसका नाम है लेट अस से क्रिप्टॉन. ठीक है, एक गैस सी ले लेते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन. तो ये तीनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो नोबल गैसेस, और हाइड्रोजन भी रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ, कंपाउंड ही नहीं बनाएंगे. तो ये तीनों क्या है, आपके नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं. ये तीनों क्या है, आपके नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, और आपने इस चैम्बर के अंदर ये भर रखे हैं. आपने इस चैम्बर के अंदर ये गैसेस भर रखे हैं. क्लियर हुआ. अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर आप क्या बोलोगे, इस कंटेनर पे जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो इस कंटेनर पे हिट तो करेंगे, और इस कंटेनर की वॉल्स पे जब वो हिट करेंगे और अंदर इनका खुद भी हिटिंग होगी, प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर भी होगा, तो टोटल प्रेशर आप क्या बोल सकते हो, इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी होना चाहिए. इंडिविजुअल प्रेशर्स को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. जब आपका मिक्सचर आ जाता है तो जो इंडिविजुअल प्रेशर्स होते हैं उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. इसका जो प्रेशर होगा इस पूरे कंटेनर में, हीलियम का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रेशर में, वो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम. बी
क्रिप्टॉन का जो आपका यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूट करेगा टोटल प्रेशर में, वो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ क्रिप्टॉन हो जाएगा, ऐसे ही इसका हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। क्लियर है? हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमने आइडियल गैसेस भर रखी है। क्या भर रखे हैं? आइडियल गैसेस भर रखी है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सिंस हमने आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस मानी है, तो हम क्या मानेंगे कि वो क्या फॉलो करेंगे, पी वी इज्कल्स टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, लास्ट क्लास में डिराइव भी करवाई थी यूजिंग ऑल द गैसेस लॉ। ठीक है, तो पी वी इज्कल्स टू एन आर टी वो फॉलो करेगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो लेट अस से कि हीलियम के इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने, ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रिप्टॉन कितने हैं, बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने हैं, सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे ना, ए प्लस बी। ठीक है, टोटल प्रेशर लेना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे विच इज इक्वल टू पी वी इज़ एन आर टी, इस तरीके से लिख सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इन टू आर टी। तो पी टोटल विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, वो ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ये टोटल प्रेशर हो गया। क्लियर हुआ, समझ आई ना सबको? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। वॉल्यूम आपका फिक्स्ड है, क्लोज कंटेनर है, ये आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर आपने मेंटेन करा हुआ है, वॉल्यूम भी आपने मेंटेन करा हुआ है। ठीक है, आर वैसे ही कॉन्स्टेंट होता है, तो ये हो गया। अगर मुझे प्रेशर ऑफ ए निकालना है कि इसके अंदर ए कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा हुआ, दैट विल बी पी ए इज इक्वल्स टू वी विच विल बी इक्वल्स टू एन ए इंटू आर टी। ऐसे ही मैं बी के लिए क्या बोलूँगी, बी विल बी इक्वल्स टू एन बी इंटू आर टी, पी बी इंटू वी विच विल बी इक्वल्स टू एन बी इंटू आर टी, और पी सी इंटू वी विल बी इक्वल्स टू एन सी इंटू आर टी। ये इंडिविजुअल प्रेशर्स हो गए और ये टोटल प्रेशर हो गया। इसको मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू इंटू वी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू वी विल बी इक्वल्स टू एन बी इंटू आर टी, और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू वी विल बी इक्वल्स टू एन सी इंटू आर टी। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर मुझे पी ए की वैल्यू चाहिए तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, लेट अस से कि सेकेंड का ए है टू ए इक्वेशन, ये टू बी इक्वेशन और ये टू सी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि टू ए इक्वेशन को वन से डिवाइड कर दो, तो आप किस तरीके से करोगे, दिस विल बी पी ए एन ए इंटू आर टी डिवाइडेड बाय पी टोटल इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन टोटल बाय आर टी। पी से वी कटा, आर टी से आर टी कटा, तो पी ए बाय पी टी एन ए बाय एन टी। अगर आपको पता है इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल सकते हैं। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। तो पार्शियल प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही आप बी के लिए निकाल सकते हो और सी के लिए निकाल सकते हो। एक बार इसको नोट करें फिर आगे चलेंगे। ओके चलो, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही टू बी को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हो और आप क्या बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आप सॉल्व कर लेना, ये किसके आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ टी, वी से वी कटेगा, एन बी इंटू आर टी डिवाइडेड बाय एन टोटल इंटू आर टी, तो ये कटेगा। तो क्या बोल सकते हैं, एन बी बाय एन टी किसके इक्वल होगा, एक्स बी के इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा। तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को क्या बोल सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली जब आप टू सी को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। ठीक है, और कोई आपसे पूछ रहे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी का रेशो क्या है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। जब आप इसको डिवाइड करोगे पी टोटल से, पी टोटल कट जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर के जो रेशोज हैं वो उनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस के रेशोज के इक्वल भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मूले में आपको याद रखना है, जब आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं
तो उनके जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिस्पेक्टिव गैसेस विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दोज गैसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर ठीक है, ये आपको याद रखना है. पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर गैस इनटू इट्स टोटल प्रेशर. क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाली बात है. चलें आगे, आगे चलते हैं. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया है आपका, ठीक है. सो ये आपकी स्टेटमेंट है. इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट कर रहा है, जो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ देयर इंडिविजुअल गैसेस. ये सारे सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स हैं. ये सारे क्या है? पार्शियल प्रेशर्स. सो देयर टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. ठीक है, चले, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए. चलो आगे चलते हैं. यहाँ पे ये आपकी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल गैसेस का कुछ बातें हैं, देख लेते हैं. सो गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर. अच्छा, जो आपकी ये नॉन रिएक्टिव गैसेज होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं. ठीक है, वाटर के ऊपर इनको एब्जॉर्ब करवाया जाता है. ठीक है, और फिर जो पार्शियल टोटल प्रेशर बढ़ता है, वो टोटल प्रेशर में आपका जो टोटल प्रेशर होता है उसमें वाटर का भी कुछ प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, और ड्राई गैस का भी पार्शियल प्रेशर होता है. तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस कर दूँगी. ठीक है, तो क्योंकि आपके जो गैसेस है वो वाटर पे एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं, तो हमें उसमें से एक्वस टेंशन, ड्राई गैस के लिए अगर मुझे निकलाना है तो मुझे उसमें से एक्वस टेंशन माइनस करना पड़ेगा. अगर वाटर है ये सिस्टम में, ठीक है, और इस पर मैं गैसेस को एब्जॉर्ब करवा रही हूँ, तो एक्चुअली में ये जो प्रेशर है वो सिर्फ गैसेस का तो नहीं है, इसमें गैस प्लस वाटर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मुझे सिर्फ ड्राई गैस का चाहिए. तो टोटल प्रेशर में से मैं एक्वस टेंशन माइनस करके ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकती हूँ. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ योर वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर. ऑल्सो प्रेशर एग्जर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. जो वाटर आपका प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन. तो इन शॉर्ट आप ये वेपर प्रेशर को ही माइनस कर रहे हो और इसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं. तो ड्राई गैस का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करके आप निकाल सकते हो. डन. चलो अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं. एंड द थर्ड टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ योर गैसेस. ठीक है, इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, 8 पोस्टुलेट्स हैं. ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए. इंडिविजुअल इनके मीनिंग्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है ये आपके आइडियल गैसेस के लिए. किसके लिए? दिस इज फॉर आइडियल गैसेस, है ना. आइडियल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था, ये जो गैसेस होते हैं इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं होते, और ये इतने दूर होते हैं कि इनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. और इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, तो वही सारी चीज़ें इन्होंने पुट अप कर रखी है. ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है जो गैसेस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स. यहाँ पे अगर आप कंटेनर में आइडियल गैसेज ले रहे हो तो ये जो हर एक पार्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और साथ के साथ ये सारे क्या है, आइडेंटिकल है. तो आइडेंटिकल है और स्मॉल है. ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, या तो ये एटॉमिक गैसेस पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर मॉलिकुलर गैसेस पार्टिकल्स हो सकते हैं, ज़ीनॉन हो सकता है या हीलियम हो सकता है, लेकिन सारे आइडेंटिकल होंगे. हमें मिक्सचर नहीं लेना, हमें सेम गैसेस पार्टिकल्स की बात करनी है. तो एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन के फॉर्म में हो सकता है. फर्स्ट पोस्टुलेट. एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम. ये आपका कंटेनर है, इसमें हमने आइडियल गैसेस मान ली, बहुत ही छोटा है, है ना, आइडियल गैस बहुत ही छोटा है और काफ़ी ज़्यादा गैप पे है. तो इन गैसेस का जो वॉल्यूम है, आपको हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलते हैं, बट एक्चुअली में इनको इकट्ठा करोगे, चार पार्टिकल्स जो आपके गैसेस हम आइडियल मान रहे हैं, इनको इकट्ठा करोगे, ऑलमोस्ट कंटेनर तो खाली ही है, इतना नेग्लिजिबल होता है, इनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है.
तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द स्पेस बिटवीन देम. बहुत कम वॉल्यूम होता है, हम मानते ही नहीं वॉल्यूम. ठीक है, सो दे ऑल्सो ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं आइडियल गैसेस के, इनके बीच में कोई भी फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शंस या अट्रैक्शन नहीं होते. ये थर्ड पॉइंट है. इसके बाद पार्टिकल्स आर ऑलवेज ऑलवेज इन अ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. ये अपनी ही धुन में रैंडम मोशन में होते हैं. कभी इनके साथ टकरा रहे होते हैं, बट कभी वॉल्स के साथ टकरा रहे होते हैं. बट ये जो टकरा टकराई चल रही होती है, इनमें आपका एनर्जी लॉस नहीं होता है. इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. इलास्टिक कोलिजन्स मैंने आपको फर्स्ट उसमें भी समझाया था. इलास्टिक कोलिजन्स इज कि अगर मैं आप लोगों को, कुछ चंद लोगों को उठाऊं और मैं रूम में पैक कर दूं, तो यहाँ पे आपके अगर इंट्रैक्शंस होंगे, आपस में टकराओगे, टकराओगे, आंखें बंद कर दी आप लोगों, तो आप टकराओगे, कुछ समय बाद थक जाओगे, क्योंकि एवरी कोलिजन में आपका एनर्जी लॉस हो रहा है. बट यहीं पे अगर हम ये आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं, तो ये आपका है, यहाँ पे जब आप टकराओगे किसी से तो एनर्जी लॉस नहीं होगा. ये टकराओगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा. जो इनिशियल एनर्जी थी उसी एनर्जी पे आप टकराते जा रहे हो. तो आइडियल सिचुएशन है ये आपकी. ठीक है, आइडियल सिचुएशंस आर नेवर रियल सिचुएशंस. तो इलास्टिक कोलिजन इसे बोलते हैं. जब एवरी कोलिजन, हर जब भी कोलिजन हो रहा है वहाँ पे एनर्जी या मोमेंटम का लॉस नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या बोला जाता है, वो आपका इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है. लेकिन पार्टिकल्स आपके रैंडम मोशन में होते हैं. ठीक है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, जो आपका आइडियल गैस में जो इनका प्रेशर कंटेनर पे जो प्रेशर आएगा वो क्यों आएगा, वहाँ पे प्रेशर आएगा क्योंकि कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हो रहे हैं वॉल्स के साथ. जो ये पार्टिकल्स हैं आपस में भी टकरा रहे हैं, बट वॉल्स पे ये ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं. तो वॉल्स पे जो कोलिजन हो रही है उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अपने हैंड पे भी आप देख सकते हैं. ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही ये पेन आप हिट करते हो तो आप प्रेशर फील कर सकते हो. तो दिस इज़ द कोलिजन, एंड जब कोलिजन हो रहा है तो प्रेशर फील हो रहा है. ठीक है, तो वो वाली बात है. तो प्रेशर क्यों डेवलप होता है, कंटेनर की जो वॉल्स होते हैं उससे पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो प्रेशर डेवलप हो जाते हैं. इसके बाद सिक्स आपको समझा चुकी. आइडियल गैसेस के लिए हम जो कोलिजन मान के चलते हैं वो इलास्टिक मान के चलते हैं. दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कोलिजन. जब कोलिजन हो रहा है वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है. क्लियर हो गया. सेवन पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स रिमेन सेम. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल्स हैं इनकी अपनी अपनी स्पीड होगी. क्लियर है, अपनी अपनी स्पीड होगी. बट अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो या पर्टिकुलर टेम्परेचर कर देते हो, तो हम बोलते हैं क्या, द स्पीड बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स जो है वो सेम रहती है. वहाँ पे कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है. और एवरेज स्पीड हम फिर निकालते हैं. एंड द पॉइंट इज, जब आप स्पीड की बात करते हो, स्पीड होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी होगी. जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो लास्ट पोस्टुलेट, इसको हम प्रूव भी करेंगे, वो बोलता है केटीजी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है, उस सिस्टम के अंदर जो आपने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है उसके, मतलब बेसिकली जो टेम्परेचर आपने दिया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये हम प्रूव भी करेंगे अभी. क्लियर है, ये इसको हमें प्रूव भी करना है कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड इट इज़ ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. सो जो वेलोसिटी वगैरह है वो आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम ही फॉलो होती है, बट टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगी. क्लियर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो इसका प्रूफ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं. ये आपका पीवी इक्वल्स टू 1/3 mnu². ये आपका, इस इक्वेशन को आपको याद रखनी है, पीवी इक्वल्स टू 1/3 mnu². इसका नाम क्या है, ये आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन है. इसको आपको लर्न करना है. जो चीज़ मैं आपको लर्न करने के लिए बोल रही हूँ इसको लर्न ही कर लो. ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी है बट हम नहीं करेंगे, इसको लर्न करो. दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन. पी वी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम 1/3. एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल्स. एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, और यू क्या है, यू आर एम एस स्पीड है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो हम अभी करेंगे. ठीक है, तो ये आपकी बात होगी. चलो अब डेरिवेशन करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की. चल स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ
एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर ये आपका सिस्टम है, मैं बोल रही हूँ इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड कितनी है यू वन, सेकेंड की बात कर रही हूँ, सेकेंड पार्टिकल की स्पीड लेट अस कि यू टू है, प्लस माइनस करके बहुत छोटा सा चेंज होगा, ये यू थ्री हम मान लेते हैं, ये यू फोर मान लेते हैं, चार पार्टिकल्स मान लेते हैं या फिर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप मान सकते हो इस तरीके से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, अगर इसकी बात करूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम यू वन स्क्वायर बोल सकते हो, क्योंकि पार्टिकल्स आइडेंटिकल है तो उनके मास सेम रहेंगे, तो मैंने एम ले लिया। अगर मैं बोलूँ कि एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल्स की बात, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स जो सिस्टम के अंदर हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू यू वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू यू टू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू यू थ्री स्क्वायर प्लस एंड अप टू हाफ इंटू एम इंटू यू एन स्क्वायर नंबर ऑफ, अगर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एन पार्टिकल्स हैं तो ये हो जाएगा। हाफ एम कॉमन ले लूँ, हाफ इंटू एम, दिस विल बी यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर अप टू लेट अस से कि एन पार्टिकल्स हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, एन से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ और एन से ही डिवाइड कर रही हूँ, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एन से ही मल्टीप्लाई करें, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर है उनसे मल्टीप्लाई करा, उनसे ही डिवाइड कर दिया। तो इस चीज़ को मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू एन इंटू यू आर एम एस स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी यू आर एम एस स्क्वायर है, हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक सिस्टम के अंदर आप इंडिविजुअल पार्टिकल को उठा के उसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, हमें एक एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हम इन सिस्टम की पूरी वेलोसिटीज की बात करते हैं तो हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो आर एम एस वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान से सुनना, रूट ये वाला है, मीन स्क्वायर मतलब एवरेज लेना है स्क्वायर वेलोसिटीज का, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, ये आप क्या करते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाय n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, urms हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर डिवाइडेड बाय n को, अगर मैं पूरे को स्क्वायर कर दूं तो मैं ये नहीं बोल सकती कि urms स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो मैं ये नहीं बोल सकती क्या, बोल सकती हूँ, बस यही तो चीज़ पुट करी है, इसकी जगह यू आर एम एस स्क्वायर वेलोसिटी कर दी। देखो स्क्वायर वेलोसिटीज का मीन एन से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया, रूट कर दिया तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया, उसको स्क्वायर कर देना, ये इसकी जगह आपने यू आर एम एस स्क्वायर पुट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला, हाफ ऑफ एम एन इंटू यू आर एम एस स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री एम एन यू स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलने वाला है, व्हेन आई डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन, तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू एन इंटू यू आर एम स्क्वायर, है ना, यही था। और सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो पी वी विल बी इक्वल टू वन बाई थ्री m into n into u r m square, इसको डिवाइड कर दो, जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो क्या होने वाला है, m से m कटा, n से n कटा, u r m से u r m कटा, तो काइनेटिक एनर्जी by pv will be equals to न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, बेसिक मैथ्स, ये रेशो लिख सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू पी वी, और काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंस वी वर फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन, हमने काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बोली थी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पी वी इज इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन ये फॉलो करती है, अगर सिस्टम के अंदर मैंने कितना लिया, वन मोल लिया,
तो क्या मैं पीवी की जगह आरटी पुट कर सकती हूँ? और मैं क्या बोल सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू 3/2 × 3/2 × RT. क्लियर हुआ? वन मोल के लिए 3/2 RT होती है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर काइनेटिक एनर्जी n मोल्स, हम सिस्टम के अंदर n मोल्स ले लेते, तो आप क्या बोलते, दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 nRT. क्लियर हुआ? ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, अगर वन मॉलिक्यूल की बात करो, एक मॉलिक्यूल की बात करो, तो एक मॉलिक्यूल मतलब वन मोल में 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब Na मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो वन मॉलिक्यूल में 1/NA कर दूं, मतलब 1/6.02 × 10²³. आप बोल सकते हो ये है ना, तो इसे क्या बोल सकते हो, वन मॉलिक्यूल के लिए आपकी ये चीज़ आ जाएगी है ना. तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको Na से डिवाइड कर दूंगी, 3/2 × R/NA × T. अब एक बात याद रखना, R/NA करते हैं, ये वैसे तो इसमें 8.314 वाला वैल्यू लेते हैं, तो इस वैल्यू को जब आप Na से डिवाइड करते हैं तो वो KB के इक्वल आता है. KB क्या होता है, R/NA इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप इसे बोलते हैं. दिस इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल डिवाइडेड बाय 6 × 10²³, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.38 × 10²³ जूल्स पर केल्विन पर मोल. ठीक है, तो ये KB की वैल्यू आपको याद रखनी है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.38 × 10²³ जूल्स पर केल्विन पर मोल. तो यहाँ पे R/NA को क्या लिख सकते हो, KBT. वन मॉलिक्यूल के लिए आप KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करेंगे. ये वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है. अगर आप वन मोल की बात करते हैं, वन मोल की बात करते हैं तो ये है, एन मोल्स की बात करते हैं तो ये आने वाला है. ठीक है, बट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ योर पार्टिकल्स जिस पे वो मूव कर रहे हैं. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है. काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है. डन. सो ये हमने प्रूफ भी आपको करके दे दिया, यही तो प्रूफ करना था. क्लियर है, तो ये चीज़ आपको देखनी है. चलें आगे, अब बात करते हैं आपकी डिफरेंट तरीके की कौन कौन सी वेलोसिटीज़ हो सकती है एक सिस्टम के अंदर. ठीक है, हम बेसिकली तीन मेजर वेलोसिटीज़ की बात करते हैं. एक एवरेज वेलोसिटी होती है, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने बात कर ली है, लेकिन एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी होती है. ठीक है, बात करते हैं. तो क्योंकि आपका ये सिस्टम है, हमने ये एक सिस्टम लिया. ठीक है, इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी u1 मानी, दूसरा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी u2 मानी, तीसरा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी u3 मानी, फोर्थ पार्टिकल है u4 मानी. अब आपको बताएं, हम इंडिविजुअली तो वेलोसिटीज़ को नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि एक तो गैशियस एटम या मॉलिक्यूल है, उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना फिर वेलोसिटी निकालना, एक अच्छा खासा इंसान है या गाड़ियाँ हैं उनकी तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट एक टाइनी पार्टिकल की कैसे वेलोसिटी निकाले, हम तो उसको वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते है ना. तो हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते. तो हम सिस्टम की तीन तरीके की एनर्जीज निकाल सकते हैं. कौन कौन सी हम एनर्जी आपकी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, एक आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, एक आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, और एक आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है. ठीक है, ये तीन वेलोसिटीज़ के साथ हम बातें करते हैं या डील करते हैं. ठीक है, जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनकी n वेलोसिटीज़ n तक वेलोसिटीज़ आएंगी. तो u एवरेज की बात करें तो एवरी पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ आप लो और n से डिवाइड कर दो. जब आप इसको पुट करते हैं सारा, तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, ये डेरिवेशन आपके उसमें है नहीं, बट आपको याद रखना है दिस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 RT/N.
किसके इक्वल आता है, 2RT बाय m के इक्वल आता है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है और वो किसके इक्वल आता है, 2RT बाय m। सिस्टम में आपको टेम्परेचर पता होगा और पार्टिकल का मास पता होगा। अगेन यहाँ पे जो मास है वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। यहाँ पे जो मास है वो केजी में होना चाहिए, रूट ऑफ 2RT बाय m आप निकालते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, अच्छा सॉरी एक सेकेंड रुको, ये किसके इक्वल आता है, 8RT बाय m, पाई m के इक्वल आता है। आई एम वेरी सॉरी, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना। जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है इस तरीके से निकालते हो, इसका जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आता है, 8RT बाय पाई m, वेरी सॉरी। अच्छा बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, इस पार्टिकल में सपोज करो U1 की जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आर मान लेते हैं या मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी है, 70 मीटर पर सेकेंड। तो जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटीज आपको दिख रही है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज होती है, जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटीज दिख रही है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज बेसिकली कि अगर आप डिब्बे में हाथ डालो तो पार्टिकल की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड पाई जाएगी। तो जो मोस्टली पार्टिकल्स आपकी वेलोसिटी कैरी करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को किस तरीके से लिखते हैं, क्या कैसे निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 2RT बाय m से। टी इज द टेम्परेचर विच विल बी नोन, पार्टिकल आपने गैसेस कौन से लिए उसका मास भी आपको पता होगा। तो रूट ऑफ 2RT बाय m से आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 8RT बाय पाई m। और ऐसे ही आप URMS वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, URMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट ऑफ 3RT बाय m। और एक्चुअली में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है, रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर UN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से URMS विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाय m। डन, ये तीन तरीके के वेलोसिटीज के साथ हम डील करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो जब आप इनका एवरेज लेंगे, एक सेकेंड, जब आप एवरेज लेते हैं किसका, मोस्ट प्रोबेबल का रेशो में योर एवरेज वेलोसिटी रेशो में योर मोस्ट प्रोबेबल, जब आप इनका रेशो लोगे तो RT बाय M कट जाएगा, है ना, क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 रेशो एवरेज का कितना आएगा, 8 बाय पाई रेशो, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, फिर इसकी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं ये RMS है भाई, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा आती है उसकी, फिर एवरेज अरे यार एक सेकेंड रुको, हाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, फिर एवरेज वाले की, फिर आपके इसकी मोस्ट प्रोबेबल की। तो एक सिस्टम के अंदर आपने ये तीनों निकाली तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, 1.73 समथिंग कुछ आएगा, ये 1.414 आएगा, ये उससे भी बीच में आएगा वैल्यू। ठीक है, आप निकाल लेना। तो एक सिस्टम के अंदर अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हो, एक प्लॉट हम बनाते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर सिस्टम डिवाइडेड बाय उनकी वेलोसिटीज या फिर स्पीड आप बोल सकते हो। तो जो प्लॉट बन के आता है कुछ इस तरीके का प्लॉट बन के आता है। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर जो आपके फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन सी वेलोसिटी को कैरी कर सकते हैं, तो इस तरीके का वो प्लॉट बन के आता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लेट अस से कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 में से एक पार्टिकल ने ये वाली वेलोसिटी अचीव कर रखी है, 10 में से दो पार्टिकल्स ने ये वाली वेलोसिटी अचीव कर रखी है, 10 में से 7 पार्टिकल्स ने ये वाली वेलोसिटीज अचीव कर रखी है, और 10 में से बचा एक पार्टिकल और ये वाली वेलोसिटी अचीव कर रखी है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका प्लॉट बन के आता है। जो एनर्जी, जो वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल्स ने ले रखी है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ने जो वेलोसिटी होल्ड कर रखी है, इस वेलोसिटी का नाम क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी जो मैक्सिमम पार्टिकल्स ने होल्ड करके रख रखी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा क्या था, मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा एवरेज था, एवरेज से ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर था। तो यहाँ पे आपका एवरेज आएगा और यहाँ पे आपका रूट मीन स्क्वायर आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है।
तो जो पीक होती है यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिलती है, उसके आगे एवरेज वेलोसिटी, उसके आगे यहाँ पे मोस्ट आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। लेकिन ये एक फिक्स टेम्परेचर पे कर्व होता है, कि जो आपने टेम्परेचर बनाया एक इस टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो प्लॉट चेंज हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो प्लॉट चेंज हो जाता है। और ध्यान से देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर दे रहे हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना। तो आप एक तो प्लॉट बनाते हो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये वाले प्लॉट आपके डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है, और ये आपका नॉर्मल प्लॉट है। अच्छा, डिफरेंट मास भी, वेरिएशन किस में कर सकते हो, मास में वेरिएशन कर सकते हो, टेम्परेचर में वेरिएशन कर सकते हो। हम जानते हैं अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ऑब्वियसली धीरे भागेगा। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन में से क्लोरीन इज हैवी, ये हैवी है, अगर ये हैवी है तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटीज हैं इसकी लेस होगी। हम मोस्ट प्रोबेबल देख लें तो क्लोरीन के लिए जो प्लॉट बनाया गया है ये वाला बनाया गया है, क्लोरीन के लिए जो प्लॉट बना हुआ है ये वाला बना हुआ है, और ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसकी, क्लोरीन की, ये कम है। देखो ये आपकी नाइट्रोजन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये ज़्यादा है, तो जो लाइटर पार्टिकल है उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बट एक बात और याद रखना, जो इसका एरिया अंडर कर्व आएगा, जो भी जितना भी एरिया अंडर कर्व आएगा वो इसी का भी, वो इसमें भी एरिया अंडर कर्व यही रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो एक सिस्टम है उसमें सेम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स और सेम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम डाल के, तो ये फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या मास को कम करते हो तो ये आगे शिफ्ट होता है और इसका हाइट डिक्रीज कर जाता है, एरिया को मेंटेन, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और मतलब बेसिकली एरिया आपका जितना भी है हाइट ज़्यादा है, बट जब आप इसको वाइड कर रहे हो तो हाइट कम करना पड़ेगा क्योंकि एरिया सेम रखना पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्शन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी, जब आप इधर स्प्रेड कर रहे हो स्पीड बढ़ रही है तो ये वाइड हो रहा है और हाइट कम हो रही है, क्लियर हो गया, ये वाली बात है। ये मास के ऊपर बेस पे कर्व है, ये टेम्परेचर के बेसिस पे कर्व है। हम जानते हैं जो वेलोसिटीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ दिया हुआ है और दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, अगर ये वाला ग्राफ आपको बोला है कि T2 टेम्परेचर पे दिया हुआ है और ये वाला ग्राफ आपको T1 टेम्परेचर पे दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है। इस कर्व की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पे है और ये कम है, और इस कर्व की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये पीक जो है वो यहाँ पे है, ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये T2 होगा, ये T1 होगा, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा है और ये इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम है, तो T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा होने वाली है। तो इस तरीके से प्लॉट में भी कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आपकी बात हो गई आइडियल गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हमने बात कर ली है, काइनेटिक थ्योरी खत्म हो गई है, बाकी क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो हम कर लेंगे, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका रियल गैस जो होती है, एक्चुअली में हमारे जितने भी गैसेस होती है वो रियल होती है, आइडियल तो होती ही नहीं है, आइडियल तो नाम की होती है सिर्फ, आइडियल सिचुएशन, परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती हुई है होगी, है ना। तो रियल सिचुएशंस की नेवर भी आइडियल, तो जितने भी गैसेस हम स्टडी करते हैं वो सारी आपकी क्या होती है, रियल गैसेस होती है, आइडियल तो हम बस थियोटिकली चीज़ों को समझने के लिए कर लेते हैं। अब आइडियल में हमने माना था काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट एक्चुअली में ऐसा तो नहीं होता, एक्चुअली में रियलिटी क्या है, तो वही डेविएशन हमें यहाँ पे देखनी है। रियल गैसेस आइडियल गैसेस से अलग होती है, तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस के इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करती। जो PV=nRT है वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, ठीक है, और आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे फॉलो होगी। दिस इज फॉर परफेक्ट गैस, दिस इज परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, जो हर टेम्परेचर या प्रेशर पे ये वाली इक्वेशन फॉलो करेगा। बट यहाँ पे रियल गैस ये इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली में आइडियल गैसेस में जो हमने अजम्पशन ली थी कि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल है, बट रियल में तो ऐसा होता ही नहीं, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और वॉल्यूम, ये रिजिड बॉल्स माने जाते हैं, इनका वॉल्यूम भी हम कंसिडर करके चलते हैं रियल गैसेस का, आइडियल गैसेस में नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे, रियल गैसेस में कंसिडर करके चलेंगे, तो ये डेविएशन है, तो PV=nRT वो फॉलो करेगा ही नहीं, कौन, रियल गैसेस नहीं करेगी फॉलो, ठीक है। सो
आपकी सेम चीज़ लिखी हुई है, अ गैसेज ओबे ऑल गैस लॉस, जो गैसेस हर एक गैस लॉ को ओबे करती है एंड फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन बी इज इक्वल टू एन आर टी अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल गैस और अ परफेक्ट गैस. बट देर इज नो गैस, कोई भी ऐसी गैस नहीं है दैट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये इक्वेशन को फॉलो कर ले, ऐसी कोई भी गैस अभी तक नहीं बनी हुई है. सो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज देयरफॉर अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, हम इमेजिनेशन में रहते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. अगर आप चाहते हो कि आइडियल एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो वो कौन सी कंडीशन पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करती है, जब आप रियल गैस के सिस्टम के ऊपर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनाते हैं. हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनाते हैं तब जाके रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं. समझने की कोशिश करेंगे, तो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में यहाँ पे एक पॉइंट भी था हमारे पास. चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा ही देती हूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ. चलो समझने की कोशिश करो, ये आपकी आइडियल गैस है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है. हम मान रहे हैं कि इनका कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल्स अपनी मस्ती में, इनके अंदर इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, और इनको जब आप इकट्ठा करते हो तो बहुत ही छोटा, बेसिकली आप बोल सकते हो कि पोर्शन ऑफ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं. तो हमने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस हम क्या मान के चलेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, बट ये कंटेनर पे वो हिट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम मान लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वैसे तो कंटेनर से बहुत ज़्यादा कम होता है, एक तो हमने ये माना. दूसरी बात, इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शंस या नो इंट्रैक्शंस हमने कंसिडर करी, कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं होती, बट द रियालिटी इज ये आइडियल गैस है. बट द रियालिटी इज अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैसेस रिजिड सिस्टम होंगे, ठीक है. रियल गैसेस में रिजिड सिस्टम होगा और इनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स होगा रिजिड सिस्टम में वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और क्योंकि यहाँ पे हमारी अट्रैक्शन या इंट्रैक्शंस हो रही हैं तो ये डिफरेंट होंगी, ये डिफरेंट होंगी. बट इसी रियल गैस को मुझे आइडियल गैस बिहेव करवाना है तो मैं अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ और प्रेशर कम कर दूँ, प्रेशर में डिक्रीज कर दूँ, तो ये जो हाई टेम्परेचर कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो, तो जो भी आपका हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर करने से ये जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं वो ब्रेक डाउन कर जाएंगी, प्रेशर कम करने से ये गैस एक्सपैंड कर जाएगी तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली अब फिर उसके कंपेरिजन में ये कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा गैसेस का. तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, HTLP से बोलते हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसी गैस नहीं बनी हुई जो आइडियल हो. आई होप इट्स वेरी क्लियर. चलें आगे. चलो ये आपका डेविएशन प्लॉट है, ठीक है. सिंस हमारा आप कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती, तो आइडियल गैस का प्लॉट अलग आएगा, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, और रियल गैस का अलग आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये जो ब्लू कलर का प्लॉट है दैट इज़ फॉर रियल गैस, और ये आपका रेड कलर का या ब्राउन कलर का जो प्लॉट है दैट इज़ फॉर आइडियल गैस. तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये आपकी रियल गैस की प्लॉटिंग है, ठीक है, और ये आपकी आइडियल गैस का प्लॉटिंग है. इसमें मैं आपको एक चीज़ कंपेयर करवाना चाहती हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे बिल्कुल 100% फोकस यहाँ पे आपका होना चाहिए. तो अगर मैं बात करूं ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, हाई प्रेशर की बात करूं, हाई प्रेशर की बात करते हैं, हाई प्रेशर पे देखो क्या हो रहा है, जो आपका प्लॉट यहाँ पे कट करा ये आइडियल गैस का है, तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ये वाला है हाई प्रेशर पे, और इसी सेम प्रेशर पे अगर मैं रियल गैस को कट करूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आ जाएगी, क्लियर है. तो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस इज ग्रेटर दैन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, डेविएशन, ठीक है.
ऐसे ही देखो, अब लो प्रेशर पे देखते हैं। नीचे जाओगे तो लो प्रेशर है, यहाँ पे कट कर लेते हैं और नीचे कर लो। लो प्रेशर तो ये प्लॉट कट करो, सीधा लेके जाओ ये रहा, और इससे सीधा लेके जाओ ये रहा। ये ब्लू कलर का प्लॉट किसका है? आइडियल रियल गैस का। दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, और ये क्या है? दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। सेम प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है ये। तो आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर दैन वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस। तो लो प्रेशर पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस विल बी ग्रेटर दैन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, और हाई प्रेशर पे उल्टा होगा। तो ये डेविएशन जो हम देखते हैं, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रेशो में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज बेसिकली जेड, एंड जेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को किस तरीके से लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉलो करेगा ऑब्वियसली। सो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को मैं किस तरीके से रिप्लेस कर सकती हूँ? दिस विल बी इक्वल टू एन आर टी बाय पी, एन आर टी बाय पी। तो वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस को एन आर टी बाय पी लिख सकते हो। और ये वॉल्यूम जो रियल गैस का आपने लिया, ये जेड का फॉर्मूला है जो आपके डेविएशन को स्टडी करता है। ठीक है, अगर आपका जेड, देखो टाइप्स ऑफ डेविएशन हमें करनी है, तो जीरो डेविएशन हो सकता है। जीरो डेविएशन का मतलब क्या है? बिल्कुल भी डेविएट ना करे, आइडियल गैस और रियल गैस सेम चीज हो। तो वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस will be equals to volume of the ideal gas. Clear? आपका deviation positive भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं positive deviation की, अच्छा इस केस में z की value कितनी होती है? 1। जब आपकी z की value 1 होगी तभी तो volume of real gas will be equals to ideal gas, तो ये zero deviation है। Positive deviation होगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो z की value क्या होगी? 1, greater than 1। तो पॉजिटिव डेविएशन में जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, जीरो डेविएशन में जेड की वैल्यू इक्वल्स टू 1। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? जो जेड है दैट इज इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस डिवाइडेड बाय आइडियल गैस। आइडियल गैस ये ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, है ना? और ये कब हो रहा था? वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट हाई प्रेशर। जब आप प्लॉट से देखते हो ये कब हो रहा था? हाई प्रेशर। इसका प्रूफ भी दूंगी मैथमेटिकली। ये पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, जेड की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो? नेगेटिव डेविएशन के टाइम पे Z will be less than 1. This is only possible when volume of a real gas is less than molar volume of the ideal gas. और ये कब थे सिनारियो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से देखो, आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से बड़ा होना चाहिए तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और वो कब होगा? लो प्रेशर पे। तो ये लो प्रेशर पे होता है, लो प्रेशर पे होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन। जीरो डेविएशन पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। हाई टेम्परेचर सॉरी एंड लो प्रेशर कंडीशन पे ये आपका फॉलो कर सकता है। हाई प्रेशर अगर होगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, लो प्रेशर होगा तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए, सो यहाँ पे ये आपका प्लॉट देखा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व। ठीक है, ये z लिखा हुआ है, n नहीं है, ये z लिखा हुआ है। ये आपकी z की वैल्यू 1 अगर रहेगी हर एक प्रेशर पे, कोई भी प्रेशर आप अगर आप ले लो, ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है z की, और ये कितनी वैल्यू है? 1। तो आप क्या बोलोगे? जब z 1 है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वाला प्लॉट है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आप देख सकते हो z की वैल्यू 1 से ऊपर है, Z की वैल्यू 1 से ऊपर है। तो हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा क्या शो करते हैं? Z की वैल्यू इन दोनों प्लॉट्स के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या फॉलो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं।
पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, बट प्लॉट्स फॉर योर CO2 एंड मिथेन गैसेस आप देख सकते हैं, CO2 का प्लॉट ये वाला है और CH4 का प्लॉट ये वाला है. तो यहां तक, इस प्रेशर तक, अगर आप मानो लो प्रेशर तक, ये लो प्रेशर रेंज है. लो प्रेशर रेंज पे जो जेड की वैल्यू है कुछ गैसेस के लिए लेस देन 1 होती है. फिर एक प्रेशर आता है जहाँ पे आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करता है, ठीक है. ये लो प्रेशर रेंज फॉर मीथेन और ये लो प्रेशर रेंज फॉर योर CO2. और इसके बाद ये हाई प्रेशर रेंज पे ये जेड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है. जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है. तो हमने ये बोला था नेगेटिव डेविएशन लो प्रेशर पे देखने को मिलेगा और पॉजिटिव डेविएशन हाई प्रेशर पे देखने को मिलेगा. जो आपका प्रेशर का जो रेंज होता है, लो प्रेशर रेंज, वो स्पेसिफिक होती है डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर नेचर ऑफ द गैस विच यू आर स्टार्टिंग, ठीक है. सो हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है. और लो प्रेशर अगर आप देखते हो तो इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है. अगर आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन में कि CO2 में ज़्यादा डिविएशन देखने को मिल रही है, या फिर आप बोल सकते हो CO2 और CH4 में से अगर कंपेयर करने के लिए बोल दे कि कौन ज़्यादा आइडियली बिहेव कर रहा है, CO2 और मीथेन में से कौन ज़्यादा आइडियली बिहेव कर रहा है, तो ध्यान से देखो ये आपका जेड वैल्यू 1 है जो इसके पास में होगा. ये जो ब्लू वाला प्लॉट है, CO2 ज़्यादा आइडियली बिहेव कर रहा है क्योंकि ये जेड के 1 है, ये जेड के पास है, जेड इज इक्वल टू 1 के पास है. तो CO2, ये क्वेश्चन भी देखने को पूछ सकते हैं आपसे, CO2 बिहेव्स मोर आइडियली दैन मिथेन क्योंकि उसको में जो डेविएशन है वो इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है. तो ये प्लॉट आपको आना चाहिए, क्लियर है. अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सबको समझा दिया है बट इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है. तो फॉर आइडियल गैसेस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर आइडियल गैसेस की बात करें तो जेड वैल्यू 1 है और वो आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस के वहाँ पे जाता है. रियल गैसेस के लिए जो प्लॉट्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है, आपको यहाँ पे डेविएशंस देखने को मिल रहे हैं. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम. इसके बाद CO2 और मीथेन के लिए आपको कर्व्स पहले डिक्रीज करते हुए मिलेंगे, यहाँ पे पहले कर्व्स डिक्रीज करे CO2 के लिए और फिर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा. सो रियल गैसेस डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल टेम्परेचर प्रेशर रेंजेस. हर एक प्रेशर टेम्परेचर रेंजेस के अकॉर्डिंग आपका जो रियल गैस है वो आपका फॉलो नहीं करता आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है. सो मेजरमेंट ऑफ डेविएशन अगर हम बात करें, अगर रियल गैसेस की बात करें, सो जेड की वैल्यू, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो आप क्या बोलोगे, वो गैस आइडियल है. अगर रियल गैस है तो जेड की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्लियर हुआ. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन जेड वैल्यू इज लेस देन 1 इट रेफर्स टू नेगेटिव डेविएशन एंड इंप्लाइज दैट गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर, ठीक है. ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, जब जेड की वैल्यू कम है तो वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस इज लेस देन आइडियल गैस, तो इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, कम वॉल्यूम है. जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट जो रियल गैस जो है इट इज़ लेस कंप्रेसिबल देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है. तो इसको फटाफट से आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे वैन डर वाल इक्वेशन की डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पे सेम चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, CO2 हो, CH4 हो या फिर N2 एक्सेट्रा, दे आर मोर कंप्रेसिबल, ठीक है. लो प्रेशर पे वो कंप्रेसिबल होते हैं, जेड की वैल्यू इज लेस देन 1, और हाई प्रेशर पे वो आपके लेस कंप्रेसिबल होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है. लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो हमेशा जेड की वैल्यू उनके लिए ग्रेटर देन 1 ही होगी, वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, क्लियर हुआ. चलिए आगे, चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो डेविएशन एक्चुअली में क्रिएट कर रहे थे, क्यों रियल गैस आइडियल गैस से अलग बिहेव कर रहा था, उसके पीछे दो मेन रीज़न है और उसी से हम करेक्शन देखेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन की डेरिवेशन देखेंगे. तो यही दोनों रीजंस की वजह से आपका आइडियल गैसेस रियल गैसेस से अलग तरीके से बिहेव कर रहा था. सो कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर
टू टू फॉल्टी अजम्पशंस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने दो गलत अजम्पशंस मानी थी. जितने भी पोस्टुलेट्स हमने पढ़े वो आपके अजम्पशंस थे केटीजी के, आइडियल गैसेस के. आइडियल गैस वैसे तो एग्जिस्ट करती नहीं, तो हमने स्टडी नहीं करा था, हमने अज्यूम करा था. बट उनमें से दो अजम्पशंस गलत थी. नंबर वन अजम्पशन जो गलत थी वो क्या थी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू योर टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. कंटेनर आना चाहिए, हमने ये माना था आइडियल गैस के लिए माना था. बट एक्चुअली में अगर कोई आइडियल गैस होगी तो उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा. जहाँ पे हम रियल गैस होगी तो इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, वो नेग्लिजिबल नहीं होगा. आइडियल गैस के लिए हम लेस नेग्लिजिबल मान रहे थे, बट रियल गैस के लिए वो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है. तो आपका जो फ्री स्पेस है वो ये आइडियल गैस के वॉल्यूम में से कुछ एक्सक्लूड करा जाएगा. तो वहाँ पे वॉल्यूम में करेक्शन टर्म्स हम लेंगे, ठीक है. ऐसे ही हमने माना था केटीजी में कि आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शंस नहीं होती, बट रियल गैसेस में इंट्रैक्शंस होती हैं, इसलिए रियल गैस अलग तरीके से बिहेव करती है. तो हमें उसके जब इंट्रैक्शंस होंगी तो प्रेशर इफेक्ट होगा. तो एक प्रेशर करेक्शन टर्म हमें पढ़नी होती है और एक वॉल्यूम करेक्शन टर्म हमें पढ़नी होती है, और फिर वैन डर वाल की डेरिवेशन करेंगे, ठीक है. सो ये चीज़ है. और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही वो आपके स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ना कि सारे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे. क्लियर हो गया. सो यहाँ पे आप वैन डर वाल इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आइडियल गैसेस में हम पार्टिकल्स का बहुत छोटा साइज मान रहे थे और बोल रहे थे कि इनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. बट रियल गैसेस में पार्टिकल्स का एक अच्छा बड़ा साइज होता है, इनके बीच में इंट्रैक्शंस भी होते हैं, इनको इकट्ठा करोगे तो इनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा. रियल गैस का यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा. तो यहाँ पे जहाँ पे हम आइडियल गैसेस के लिए नेग्लिजिबल वॉल्यूम मान रहे थे और हम बोल रहे थे जो ये फ्री स्पेस है, जो आइडियल गैस घूम पा रही है, वो कौन सा घूम पा रही है, वी ऑफ कंटेनर हम कंसिडर करते थे. हम बोलते थे जो आइडियल गैस पी वी इज टू एन आर टी फॉलो कर रही है, यहाँ पे वी ऑफ कंटेनर आप पूरा ले लो क्योंकि आइडियल गैस का खुद का तो वॉल्यूम है नहीं, तो वो पूरे स्पेस में घूम रही है. बट एक्चुअली में जो रियल गैस होती है उनमें से जो घूमने वाली स्पेस होती है वो एक्चुअली में क्या होगी, ये वाली फ्री स्पेस होगी. इसमें से आपको ये वाला वॉल्यूम माइनस करना ही पड़ेगा. तो रियल गैस की जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे एक वॉल्यूम करेक्शन टर्म आएगा. वहाँ पे रियल गैस में से कुछ वॉल्यूम, कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम हम एक्सक्लूड करके चलेंगे. जो V है ये V कंटेनर का हम लेते हैं. आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल था तो हम बोलते थे कि पूरे वॉल्यूम में वो घूम सकता है. V क्या है, फ्री वॉल्यूम जहाँ पे वो घूम सकता है. बट रियल गैस अगर भरी होती कंटेनर में तो ये वाला वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करके चलना पड़ता. तो आपका जब रियल गैस की हम डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे वॉल्यूम के अंदर करेक्शन टर्म देखेंगे और वहाँ से हम एन बी माइनस करेंगे. एन बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम एक्सक्लूड करना है पूरे कंटेनर में से वो आप करते हो और यहीं से वॉल्यूम करेक्शन टर्म होती है. ऐसे ही अगर हम बात करें इंट्रैक्शन की तो वहाँ पे प्रेशर इफेक्ट आएगा, तो एक प्रेशर करेक्शन टर्म भी आएगी. तो वहीं पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम करेक्शन टर्म देख रहे हैं. अब आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके सिचुएशंस को पुटअप करके वॉल्यूम करेक्शन टर्म निकालेंगे. वॉल्यूम करेक्शन टर्म फिर इसमें पुट करेंगे, फिर ऐसे ही प्रेशर करेक्शन टर्म निकलेगा तो इसमें पुट करेंगे और फिर आपकी एक रियल वैन डर वाल इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है. अब वॉल्यूम करेक्शन टर्म क्या है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल कोलिजन्स होते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं. बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. तो हम दो रियल गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन कंसीडर करते हैं. और ये बोलता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा, जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एक 2R रेडियस का एक एक्सक्लूड करके चलेगा वॉल्यूम. तो 2R, ये R और R, 2R रेडियस का इतना वॉल्यूम जब कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो 2R रेडियस के वॉल्यूम में, इस रेडियस के वॉल्यूम में कोई और थर्ड पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता. तो ये अब जो 2R पुट करके जो भी वॉल्यूम बन के आया वो इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया. जो कोलिजन होना है अब वो इतने स्पेस में नहीं होगा, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है. तो दो पार्टिकल्स जब कोलाइड कर रहे हैं वहाँ पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 × π × 2R³. इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 4/3 π × R³ आएगा. तो दो पार्टिकल्स के लिए इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड है. तो एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड कर दो
तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम एक्सक्लूडेड है। और अगर हम n पार्टिकल्स की बात कर ले या n पार्टिकल्स की बात कर ले तो n से मल्टीप्लाई कर दो, या n नंबर ऑफ मोल्स की बात कर ले तो आप एन बी से मल्टीप्लाई करो, या फिर एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल में आप एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यही आपका बी वैल्यू होती है। बी वैल्यू क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। आप बी वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, जब आप वॉल्यूम करेक्शन टर्म कर रहे हैं, जो आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो एक 2R रेडियस के गैप पे, अब यहाँ पे थर्ड पार्टिकल कोलाइड नहीं कर सकता, ये वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2R के रेडियस से जो वॉल्यूम एक्सक्लूड हुआ था, दो पार्टिकल्स के लिए जो वॉल्यूम एक्सक्लूड हुआ था वो कितना था? 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक पार्टिकल के लिए कितना आया था? एक पार्टिकल के लिए जो वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा दैट विल बी 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ रही है बात? अगर n नंबर ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल पार्टिकल के लिए जो वॉल्यूम आप एक्सक्लूड कर रहे थे, वो कितना होगा? वो बी वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। ये आपका बी वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एन बी। तो कंटेनर में से ये वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो ये आपके रियल गैस का वॉल्यूम आएगा। ये कंटेनर का वॉल्यूम था, उसमें से इतना वॉल्यूम आप माइनस कर दोगे तो ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म रियल गैसेस के लिए मिल जाएगी। समझ आ रही है बात? इसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, बी वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम आपने एक्सक्लूड करा है दैट इज बी, ठीक है। और वॉल्यूम में अगर आप करेक्ट करते हो, वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस विल बी इक्वल्स टू, जो पूरे कंटेनर में से इतने वॉल्यूम माइनस कर दो तो वो एक्चुअल वॉल्यूम है जो रियल गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पे यूनिट ऑफ बी पूछे जाते हैं, तो वॉल्यूम में से इसकी यूनिट आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम की यूनिट ही तो एन बी की जो यूनिट होनी चाहिए वो वॉल्यूम की होनी चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट इज ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस करोगे तभी तो वॉल्यूम आएगा। तो एन बी की यूनिट वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम लीटर में होगा और एन क्या नंबर ऑफ मोल्स, तो बी की यूनिट क्या होगी? लीटर पर मोल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर पर मोल। क्लियर है? तो ये आपकी वॉल्यूम बी की यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही प्रेशर करेक्शन टर्म आती है जो इंट्रैक्शन के बेसिस पे होती है। हम बोल रहे थे जो आइडियल गैसेस हैं इनमें पार्टिकल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, बट जो रियल गैसेस होती है, तो रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल बीच में है इसमें तो चलो कोई इंट्रैक्शन नहीं है, बट जो पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करना चाहता है तो रियल गैसेस के दूसरे पार्टिकल जिसको होल्ड कर रहे हैं, इसको कोलिजन से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो प्रेशर इफेक्ट हो रहा है। तो प्रेशर की टर्म्स में भी आपका डेविएशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हम प्रेशर आइडियल गैस के लिए लेते हैं, ये आपका टोटल प्रेशर होता है जो पार्टिकल्स कंटेनर पे कोलाइड कर रहे हैं, प्लस इंटरनल प्रेशर आप लेते हो जितना भी आपका होता है। सिंस इंट्रैक्शंस होती नहीं तो हम कंटेनर का ही प्रेशर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे वो वाला प्रेशर तो आप लोगे, वॉल पे लगने वाला प्रेशर भी लोगे, बट अंदर पार्टिकल्स के इंटरनल प्रेशर भी तो होगा, इंटरनल फोर्सेस भी तो लगेंगे, वो भी आपको ऐड करना है। तो वॉल्यूम, अब आप प्रेशर में जो करेक्शन टर्म करते हो वो किस तरीके से करते हो, तो ये जो पार्टिकल है इसका जो प्रेशर है वो इसके कितने, इस तरीके के कितने नंबर ऑफ, या इनकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है जो पार्टिकल्स कंटेनर पे हिट करना चाहती है, और अंदर वाले कितने पार्टिकल्स हैं जो इन पार्टिकल्स को होल्ड करें, तो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करती है। तो प्रेशर जो आपका अंदर इंटरनल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो कॉन्सेंट्रेशन पे, एक जो वॉल पे हिट करना चाहती है, एक जो अंदर से इनको रोक रही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो इंटरनल प्रेशर विल बी ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। अब जो आप प्रेशर करेक्ट करते हो, प्रेशर ऑफ अ रियल गैस विल बी इक्वल टू जो कंटेनर पे हिट कर रही है प्लस इंटरनल प्रेशर विच इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये आपका प्रेशर करेक्शन टर्म आता है। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी हम फॉलो करते हैं आइडियल गैस के लिए, तो अब रियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस के लिए आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉलो करते हैं, तो रियल गैस के लिए P रियल पुट करना पड़ेगा, V रियल पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू एन आर टी पुट करना पड़ेगा। P रियल में क्या लिख सकते हो? P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर,
और वी रियल में क्या पुट कर सकते हो, वी माइनस एन बी जो आपने करेक्शन करा है, दिस इज ओनली योर वैन डर वाल इक्वेशन. तो प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म पुट करके आप वैन डर वाल इक्वेशन निकाल सकते हो. ये आइडियल गैस के लिए होता है, ये रियल गैस के लिए होता है. क्लियर हो गया, इस तरीके से निकालते हैं. और यहाँ पे अब आपको यूनिट ऑफ ए हमने देख लिया, प्रेशर इंटरनल प्रेशर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा. और पी इंटरनल जो आपका निकल के आया दैट विल बी ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. और जो प्रेशर करेक्शन टर्म निकल के आई, पी रियल विल बी इक्वल्स टू प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ये हुआ. अब आपसे ए की यूनिट पूछ सकते हैं, तो प्रेशर में प्रेशर ऐड करोगे तो ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जो यूनिट होगी वो प्रेशर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए. अगर आप प्रेशर पास्कल में लेते हैं, एसआई यूनिट में पास्कल में लेते हैं, तो आप ए की क्या यूनिट निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट पास्कल, ठीक है, वॉल्यूम लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर मोल इनवर्स, मोल की पावर माइनस टू, ये आपकी एक यूनिट आ जाती है. ठीक है, इस तरीके से आपसे यूनिट पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे आपकी फाइनल वैन डर वाल इक्वेशन क्या निकल के आती है, जब आपने प्रेशर करेक्शन टर्म करा तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये वैन डर वाल इक्वेशन है. अब आप देख सकते हैं जब हम हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पुट करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही हाई प्रेशर कंडीशंस पे या फिर लो प्रेशर पे किस तरीके से डेविएशन देखने को मिलेगा, अब केसेस को स्टडी करना है. सो वैन डर वाल इक्वेशन किस तरीके से बिहेव करती है एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ध्यान से सुनना. जब प्रेशर कम है तो हम जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना. ओके, हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इज पी ए एन स्क्वायर, सॉरी वैन डर वाल इक्वेशन इज दिस, और वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी. जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये बी छोटा होगा, ए एन बी क्या है, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स बोले जाते हैं, ये बहुत छोटा होगा, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो. लो प्रेशर पे इसको निगलेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो पी वी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. अगर n को 1 भी ले ले या मत लो, आप क्या करो इसको डिवाइड कर दो, किससे, nRT से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो nRT से. तो pv by nRT plus a n square by v into nRT equals to 1 कर दूं. अगर याद है ये क्या है, z वैल्यू, तो यहां से देखो z will be equals to 1 minus ए एन स्क्वायर, एन से तो एन कट ही गया, तो ए एन बाय वी आर टी, ये आप बोल सकते हो. तो आप क्या बोल सकते हो, लो प्रेशर पे जेड वैल्यू इज लेस देन वन, हमने यही पढ़ा था, मैंने आपको बोला था मैं मैथमेटिकल प्रूफ दूंगी. तो लो प्रेशर पे जेड वैल्यू इज लेस देन वन, बट आगे हाई टेम्परेचर भी दिया हुआ है, जब टेम्परेचर हाई होगा ये ज़्यादा होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जेड वैल्यू विल बी इक्वल्स टू वन. अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपने लिया, इतना ज़्यादा हाई इन्फिनाइट टेम्परेचर आपने लिया, बहुत ज़्यादा हाई, तो ये आपका नीचे वन बाई इन्फिनिटी जीरो, जेड की वैल्यू वन. तो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर की वजह से ये हुआ और हाई टेम्परेचर की वजह से जेड वैल्यू वन. और यही हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला कंडीशन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस बिहेवियर हुई है. ठीक है, इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो कि लो टेम्परेचर पर जेड वैल्यू लेस देन वन आती है, लेकिन हाई टेम्परेचर भी आपने लगा दिया तो आपका वो आइडियल बिहेवियर दिखाएगा. इसके बाद केस नंबर टू इज मॉडरेट प्रेशर. मॉडरेट प्रेशर पे आप यही इक्वेशन फॉलो करते हैं, कुछ भी नहीं है, आपका नॉर्मल यही चलता है, ये आपका मॉडरेट प्रेशर की यही इक्वेशन रहती है. बट आपका एक और कंडीशन आता है जहाँ पे आप हाई प्रेशर कंसीडर करते हो, तो ये वाली जो इक्वेशन है, जब आप हाई प्रेशर कंसीडर करोगे तो ये वाला वॉल्यूम टर्म आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर हाई है. अब इसको मल्टीप्लाई करो, पी वी माइनस पी एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसको डिवाइड करो एन आर टी से, माइनस पी एन बी बाय एन आर टी इक्वल्स टू वन, एन से एन कटा, इसको जेड बोल सकते हैं, ये उधर जाएगा तो वन प्लस पी बी बाय आर टी आप इसे बोल सकते हो, वन प्लस पी बी बाय आर टी से बोल सकते हो. तो इस केस में जेड की वैल्यू इज ग्रेटर दैन वन, जेड की वैल्यू इज ग्रेटर दैन वन. अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर दैन वन होती है तो आप क्या बोलोगे कि हाई प्रेशर पे ये आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, और हमने ये पढ़ा भी था, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ये हमने पढ़ा भी था, है ना. तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो.
अब लिमिटेशंस ऑफ वैंडरवॉल इक्वेशन क्या है? इट हैज अ डेविएशन एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड अ लो टेम्परेचर ड्यू टू वैंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी दैट डू नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, ये लिमिटेशन है. हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे चीज़ें मान ली थी, बट एक्चुअली में जो आपका ए एंड बी है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज कर जाता है. ठीक है, तो हम इनको वैंडरवॉल कांस्टेंट एक्चुअली में बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में ये कांस्टेंट नहीं है, ये लिमिटेशन है. आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है, फाइनली हम यहाँ पे बता सकते हैं. तो आइडियल गैस है वो सारे गैसेस लॉ को ओबे करता है एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेरेबल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर द आइडियल गैस. ठीक है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइडियल गैस एंड इट ओबेज पी वी इक्वल टू एन आर टी एंड इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अगर हम बात करें रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस के अंदर गैस लॉ हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे नहीं करे जाते, इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है. और ये रियल गैस जो है वैंडरवॉल इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बी माइनस एन बी वाली इक्वेशन को फॉलो करती है, और एग्जिस्टिंग गैसेज जितनी भी होती हैं वो रियल गैस होती है. तो यहाँ पर आपका चैप्टर अब फिनिश हो गया है. ठीक है, हमने सारा पोर्शन कम्प्लीट कर लिया है, बस बात रही क्वेश्चन के प्रैक्टिस की, तो हम उसे हम कर लेंगे आने वाली क्लासेस में. ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलने वाला है, बहुत बच्चों ने बोला है कि इक्विलिब्रियम करवा दो, तो इक्विलिब्रियम करवाऊंगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद आपको बीच में एक क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की भी मिल जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे विशिंग यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशंस, बहुत अच्छे से चीज़ों को करना, समझदारी से करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना. छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम.